हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस वाईफाई कंट्रोल होम लाइट को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सर्किट के जैसे ही सभी कंपोनेंट के कनेक्शन कर लेंगे जीसी बोर्ड पर। दोस्तों, हमने जीसी बोर्ड में 5 वोल्ट रिले को फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम एक 547 ट्रांजिस्टर लेते हैं, इसे भी हम फिक्स कर देते हैं। और इसके कलेक्टर को हम रिले की कॉइल 1 से कनेक्ट कर लेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे उसमें। और फिर हम इसके बाद 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं, इसको भी हमने इसी जीसी बोर्ड में फिक्स कर दिया है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर देंगे और सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बाद हमने एक और 547 ट्रांजिस्टर लिया है, इसे भी हम इसी जीसी बोर्ड में फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पहले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके बाद हम जंपर वायर्स को कनेक्ट करने के लिए 3 हेडर पिन लेते हैं और इन्हें भी हम इसी जीसी बोर्ड में फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम एक वायर के थ्रू हम सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमीटर को एक हेडर पिन से कनेक्ट करेंगे, ये ग्राउंड पिन कहलाएगी। इसके बाद हम एक और वायर से सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस को दूसरी हेडर पिन से कनेक्ट कर लेंगे, यह इनपुट पिन कहलाएगी। फिर हम एक और वायर लेते हैं और इसे हमने रिले के सेकेंड कॉइल से और रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करके थर्ड हेडर पिन में कनेक्ट कर दिया है। फिर हम एक और वायर से दोनों ट्रांजिस्टर के एमिटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये वायर रॉन्ग कनेक्ट हो गया था एक, तो इसको हमने निकाल दिया है। अब हम बता देते हैं तीनों पिन कौन कौन सी, ये VCC, ये ग्राउंड और बीच की इनपुट पिन है। फिर इसके बाद दोस्तों, हम एक होल्डर लेते हैं, इसमें हमें प्लग को कनेक्ट कर लिया है। तो हम इसके एक वायर को निकाल लेंगे। तो हमने एक वायर को बीच से ब्रेक कर दिया है इसको। तो हम इन दोनों वायर को फिर रिले से कनेक्ट करेंगे। तो प्लग के वायर को हम रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट कर देंगे और होल्डर के वायर को हम रिले की नॉर्मली क्लोज पिन में कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया है, दोनों में शोल्डरिंग कर दी है हमने। इसके बाद हम एक नोड MCU बोर्ड लेते हैं, यह वाईफाई मॉड्यूल है। इसमें हम पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके लिए हम इसे अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेंगे OTG केबल के थ्रू। इसके बाद हम उस प्रोग्राम को पिन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है और इसमें हम SSID नेम अपने वाईफाई का टाइप कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें पासवर्ड भी टाइप कर देंगे अपने वाईफाई का। तो हमने टाइप कर दिए हैं। फिर इसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन की चाहिए, तो इसके लिए हमें ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर और वहाँ हम टाइप करेंगे ब्लिंक ऐप और फिर हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है फिर हम इसे ओपन करेंगे। तो ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद हम इस ऐप को ओपन करेंगे। अब इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हम प्लस के आइकन पे टैप करते हैं और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया है इसमें वाईफाई कंट्रोल लाइट। और फिर हम इसके बाद अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे नोड MCU और फिर इसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा फिर इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन की मांग रहा है, तो इस पर ओके करेंगे। तो ये हमारे जिस जीमेल से हमने साइन इन किया था तो उस जीमेल पर ये ऑथेंटिकेशन की भेज देगा। फिर हम इसमें अपने बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने बटन को सिलेक्ट कर लिया है, फिर इस पर टैप करेंगे। तो ये बटन का नाम लिख लेते हैं, तो हमने लाइट लिख लिया है। फिर इसके बाद हम पिन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें D1 पिन पर हमारी जो इनपुट पिन दी गई है। और फिर इसके बाद हम स्विच पर कर देते हैं और फिर ओके। तो अब जैसे ही हम इस पर ऑन ऑफ करेंगे तो ये वर्क करने लगे और ये ऑथेंटिकेशन की है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये जीमेल पर गया था हमारे ये ऑथेंटिकेशन की। फिर इसके बाद हम इसमें बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा नोड MCU 12E बोर्ड है। और फिर इसके बाद हम इसमें पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे,
कॉमन पिन 4 है हमारी, और फिर इसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे, और फिर इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। और इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा, ये अपलोड हो गया है प्रोग्राम। अब हम इसे नोड एमसीयू को निकाल लेते हैं, फिर हम इस सर्किट में जो तीन जम्पर वायर लगे हैं, तीनों जम्पर वायर के कनेक्शन हम नोड एमसीयू बोर्ड से कर देंगे। तो पहले हम दो जम्पर वायर लेते हैं और इसे हम अपने नोड एमसीयू के वीसीसी और ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है, और फिर हम एक जम्पर वायर को नोड एमसीयू की D1 पिन में कनेक्ट कर दिया, और इस वाइट जम्पर वायर को हम VCC में कनेक्ट करेंगे, और इस ब्लैक जम्पर वायर को हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, और इस ग्रीन जम्पर वायर को हम रिले के सर्किट जो था उसमें इनपुट पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब ये सर्किट तैयार हो गया है। इसके बाद हम एक प्लास्टिक का बॉक्स लेते हैं, इसमें हम इस सर्किट को रख देंगे, सही तरीके से फिक्स कर देंगे। तो हमने इसको फिक्स कर दिया है, और फिर इसके बाद हम इस नोड एमसीयू में पावर के लिए हम अपने मोबाइल के चार्जर का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है इस चार्जर को, तो ये पावर देने के लिए हम यूज करेंगे, और फिर हम इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद हम प्लग को और चार्जर को पावर से कनेक्ट कर देंगे, फिर इसे हमने स्विच को ऑन कर दिया है। फिर हम उसी ऐप को ओपन करेंगे, उससे पहले हम अपने मोबाइल के इंटरनेट और अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर लेते हैं, जिससे इससे नोड एमसीयू का वाईफाई कनेक्ट हो जाए। फिर हम उसके बाद अपने ऐप को ओपन करेंगे, और फिर हम इसमें जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करेंगे तो ये बल्ब ऑन ऑफ होने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।